अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फजल करम से तवाफ़ भी कर लिया और उसके बाद साहब फर्स्ट टाइम जो है सहरी हम इन चीज़ों से कर रहे हैं। ओके जी, तो आज पहली अफ्तारी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, मैं हूं मोहम्मद तला। आज एक बेहतरीन और उम्दा सफ़र के लिए हमारी रवानगी है। सफ़र का आगाज़ बकायदा घर की तरफ से तो हो चुका है और इंशाल्लाह उम्रे की अदायगी के लिए हम जो है जा रहे हैं और पहला उम्रा है इंशाल्लाह। मैं हूँ, मेरे साथ भाई है मोहम्मद, सुबह आएगा इंशाल्लाह और हमें छोड़ने के लिए जो है समद भाई जा रहे हैं और साथ में हमारे ताया जान जो कि पंजाब से हैं स्पेशल हमें छोड़ने के लिए, तो इंशाल्लाह ये हमें एयरपोर्ट की तरफ छोड़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, सहरी के लिए जो है ना हमने यहाँ आते आते में ढाई बज चुकी है, तो हमने सोचा कि सहरी करते जाएं, तो सहरी के लिए सिर्फ ये सैंडविचेस लिए। भाई साहब फर्स्ट टाइम जो है सहरी हम इन चीज़ों से कर रहे हैं, वरना ज़िंदगी में हमने नहीं की पराठों के अलावा। खैर, अब रोज़ा रखना है तो ये करना पड़ेगा। ओके जी, फाइनली जो है हम जहाज़ में आ चुके हैं और अपनी सीट पे भी जो है बैठ गए, साथ उसामा बैठा हुआ है सेठ। इंशाल्लाह अब टाइम हो गया हमारा तकरीबन 3:30, यानी कि 3:30 हो रहा है और फुल अरबी चल रही है यहाँ पर, समझ नहीं आ रही है। फाइनली हम जो है मस्कत पहुँच चुके हैं, मेरे साथ मान था बार बार लेकिन मस्कत की फ्लाइट थी खुल गया, तब यहाँ 4 घंटे स्टे है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे सफ़र करेंगे। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह अहराम बांध लिए और टाइम जो है काफ़ी स्लो स्लो गुजर रहा है। 8:01 हो गए, अभी पाकिस्तानी 8:01 है, यही यहाँ के पाकिस्तानी 7:01 यहाँ पर 7:01 हो गया मस्कत में। तो खैर अभी आधा घंटा है बोर्डिंग में, दोबारा बोर्डिंग होगी तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, फाइनली तो अब जो है 3-4 घंटे स्टे करने के बाद जो है हम दोबारा आ चुके हैं और इस वक्त जो हमारा एयरलाइन चेंज हुई है तो कंपनी वही है लेकिन उससे बेहतर है, सीट्स वगैरह इसकी अच्छी है उससे। क्या ख्याल है? बेहतर है, एहराम वगैरह हमने बांध लिया था, तब आगे सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, फाइनली हम जद्दा पहुंच गए हैं और लोकल टाइम के मुताबिक 12:14 हो रहे हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:15 हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश था और निकलते निकलते बस घूमते घूमते बहुत टाइम लग गया। आपको यहाँ की बस भी दिखा देता हूँ, देखने में तो सीटें काफ़ी बेहतर लग रही हैं। उसामा ने भी अपनी सीट पे कदम रख दी है, बाकी इनकी बस है, यू टाउन की बस है। ओके भाई, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल में, जो कि बहुत लंबा सफ़र हो गया आज, थकावट से जो है ना अलग टाइट है, लेकिन इसी मुशक्क़त का नाम जो है उम्र है। और पाकिस्तानी टाइम जो मैं यहाँ देख रहा हूँ 6:02 है और जो यहाँ का लोकल टाइम है वो हो रहा है 4:02। और ये रूम है, हरम से तो काफ़ी दूर है ये, हम सोच रहे थे कि शायद नज़दीक हो गए लेकिन काफ़ी दूर है ये। तो रूम खैर साफ़ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा साहब भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी थकावट है सर? थकावट तो हो रही है लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है, तड़प भी हो रही है, इस तड़प के सामने थकावट दूर हो गई हमारी, जाएंगे इंशाल्लाह।
ओके जी, तो आज पहली इफ्तारी मक्के की हम सोच रहे थे कि खाना काबा के सामने बैठ कर करेंगे, लेकिन क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया और बाकी फैमिली हमारी यानी कि वालिद साहब, वालदा और कज़न जो है वो अब तक नहीं पहुँचे, तो ये खैर हमें होटल में ही नीचे मिल गया। 5 रियाल के पकौड़े लिए, बाकी टोटल सब फ्री है। ओके जी, तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मोहम्मद लोग आए हैं, अब्बू मोहम्मद और वालदा पहुँचे, तो बहुत देर इन्होंने इंतज़ार करवाया। इस वक्त हम खाना वगैरह खा के फ्री होकर अब जा रहे हैं हरम की तरफ, किताबें लेके और चलेंगे। इंशाल्लाह अब उम्रा करने के बाद ही सामने आऊँगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि अपने तवाफ़ के दौरान जो है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, और करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए, और करूँ और अपनी इबादत ख़राब करूँ। हाँ ये है कि अलबत्ता जब उम्रा की अदायगी मुकम्मल हो जाएगी, जब टेंट वेंट करवाऊँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कि गंजे हो के हम कैसे लगते हैं इंशाल्लाह। क्या ख्याल है साहब? साहब मदरसे में पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम गंजे हो गए, हमने बड़ी कुर्बानियां दी बड़ी इन कुर्बानियां बालों दी के हैं। लिए, हाँ लेकिन आज इन बालों की कुर्बानी याद देंगे हम। क्या बात है, ये दिल से देंगे। ये दिल वो से हमारे से मदरसों में जबरदस्ती ली जाती थी। वैसे बेचारे के बाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से तवाफ भी कर लिया और उसके बाद सफ़ा मरवा भी कंप्लीट कर ली, और इस वक्त अब जा रहे हैं हम जी, बाल वगैरह कटवाएंगे और सहरी करेंगे इंशाल्लाह। बाहर आ गए और हलक करवाएंगे इंशाल्लाह, यानी कि गंजे होंगे और सहरी भी करेंगे। ये बाहर का खूबसूरत मंज़र, ये बाहर का बहुत खूबसूरत मंज़र। अच्छा जी, बाहर निकल हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ वाल साहब की हिम्मत है यार, पूरा उम्रा करवाने में भी वो आगे थे, अब भी आगे हैं, और हमारी जो है ना, हमारे साथ चला ही नहीं जा रहा। उसकी उसकी वजह ये भी है कि ये जूतियाँ जो है ना, ये सही नहीं है इनसे। वैसे तो वाल साहब के पास भी यही है, लेकिन मोहम्मद जो है वो स्पेशल आदमी है, इसके पास ज़रा अच्छी वाली है। मोहम्मद तहज्जुद की अज़ान हो रही है जी, सहरी का टाइम जो है बहुत कम रह गया था, तो मजबूरन जो है हमें ये करना पड़ा। एक सब्ज़ी ली है और कुछ रोटियां ली हैं, इसके अलावा दही लेने गए हैं अब्बा जान, तो इस पर गुजारा चलाएंगे। बच्चे आज गुजारा कर कल से VIP करेंगे। सब्ज़ी कैसी है भाई? VIP अच्छी है, गुड हो गया। कभी सोचते थे कि मक्के के गलियों में घूमेंगे, तो आज मक्के की गलियों में जो है बैठे हुए सैरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला
जी फाइनली हमने उम्रा कर लिया था, उसके बाद जो है फजर पड़ी, उसके बाद जो है आपके सामने हलक करवाया, और 2013 के बाद 28 दफ़ा के लिए मदरसे में पढ़ने के बाद। तो ये हमारा उम्र का पहले दिन का ब्लॉग हुआ, और मोहम्मद फुल गंजे हो गए।